हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं खड़ी मसूर की दाल, इसे अखा मसूर भी बोलते हैं। और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में, साथ ही साथ हेल्दी तो होती ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू। यहाँ पर मैंने आधा कप खड़ी मसूर की दाल ले ली है, एक छोटी कटोरी भर के भी आप ले सकते हैं इसको, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया है, इसको थोड़ा सा गलने देंगे हम, तब तक हम इसको फ्राई करने की तैयारी करेंगे और हम इसे कुकर में बनाएंगे तो ये बहुत इजीली बन जाती है। अब यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है और उसमें 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें 1/4 छोटा चम्मच राई डाल देंगे और 1/4 छोटा चम्मच ही यहाँ पे जीरा डाल देंगे। राई और जीरा जैसे ही अच्छे से चटक जाएंगे, इसमें एक स्लाइस्ड प्याज डाला है, मतलब लंबा कटा हुआ डाला है। उसके बाद इसमें 2 हरी मिर्ची को बीच में से 2 टुकड़े करके डाल दिए हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बस ये देखिए, प्याज डाल दिया है और हरी मिर्ची डाल दी हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा चला लेंगे। प्याज को हम भूनेंगे अब यहाँ पे, गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और प्याज को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है और प्याज भी अच्छी तरीके से पक गया है। बस इतना ही हमको प्याज को भूनना है। अब इस स्टेज पे मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है। प्याज अच्छे से भुनने के बाद ही हम इसको ऐड करेंगे। उसके बाद इसको 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे, 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे। 1-2 मिनट में अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट अच्छी तरीके से भुन जाता है और उसकी स्मेल जो होती है वो भी चली जाती है। ये देखिए, यहाँ पे भून लिया है मैंने। इसके बाद आप इसमें सूखे मसाले डालना चालू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्ची का पाउडर डाला है और मैंने नमक यहाँ पे स्वाद अनुसार डाला है। उसके बाद इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। सारे मसाले भी अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब इसमें 2 मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। आप 2 से ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं टमाटर, क्योंकि टमाटर से तो दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे और टमाटर को पकाएंगे। तो ये टमाटर भी अच्छी तरीके से चला दिए हैं। अब हमको टमाटर को पकाना है। 2 से 3 मिनट में टमाटर अच्छी तरीके से पक जाएंगे। ये देखिए, टमाटर यहाँ पे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम मशी हो गए हैं। ये देखिए, टमाटर पूरे तरीके से पक चुके हैं। अब यहाँ पे मसूर की दाल जो मैंने गला के रखी थी उसको अच्छे से 1-2 पानी से और वॉश करके और कुकर में ऐड कर देंगे। अब कुकर में दाल डाल दी है, उसके बाद इसको चला लेंगे अच्छे से। और जो थोड़े बहुत टमाटर रह जाते हैं ना, वो जब प्रेशर कुकर में हम सीटी लेंगे तो वो भी पक जाएंगे। अब इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है और 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे हींग डाल दी है। हींग मैंने बाद में इसलिए डाली क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है दाल का। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे दाल को हम कम से कम 2 मिनट भूनेंगे, क्योंकि क्या होता है, एकदम से दाल डालने के तुरंत बाद पानी नहीं डाल देना है, नहीं तो वो थोड़ा सा टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। गैस की फ्लेम को यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम पे कर देंगे और 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे चम्मच से इसको बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो ये जल जाएगी, मतलब चिपक जाएगी नीचे। बस इस तरीके से इसको 1-2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें मैंने यहाँ पे 2 ग्लास कुनकुरा पानी डाला है। ये देखिए, यहाँ पे 2 ग्लास पानी डाला है। अगर आपको दाल थोड़ी पतली चाहिए है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दीजिए, अगर आपको दाल थोड़ी गाढ़ी चाहिए तो आप थोड़ा कम पानी डाल दीजिए। बस हल्का सा इसको चम्मच से चला देंगे
और उसमें मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है ताकि ये कुकर में मतलब दाल के साथ ही उबल जाए और ये बहुत अच्छा लगता है इसलिए। तो आप ये हरा धनिया इस टाइम पे ज़रूर ऐड करें इसमें। बस अब थोड़ा सा चलाने के बाद इसका ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 सीटी लेंगे हाई फ्लेम पे। यहाँ पे हम सीटी लेंगे। क्या होता है जो मसूर की खड़ी दाल होती है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाती है पकने में, तो इसलिए 4 से 5 सीटी लें। और अगर उसके बाद भी ना पके तो और ज़्यादा सीटी भी आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप कुकर का प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने देंगे और उसके बाद उसका ढक्कन खोलेंगे। यहाँ पे मैंने इसका ढक्कन खोला और हल्का सा चम्मच से चला देंगे। चम्मच से चलाने से क्या होता है, जो दाल और जो पानी होता है ना वो एक सार हो जाता है, मतलब अलग अलग नहीं जाता है। तो हल्का हल्का चम्मच से आप स्टर कर दें इसको। बस ये दाल बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। अब मैंने इसमें लास्ट में एक बड़ा चम्मच देसी घी ऐड किया है। इससे ना दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप यहाँ पे एक चम्मच बटर भी ऐड कर सकते हैं। और बस अब इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी के साथ या चावल के साथ इसे खाइए, ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।